बागेश्वर उपचुनाव में होगी कांटे की टक्कर, बीजेपी कांग्रेस में मचेगा घमासान। दोनों तरफ से प्रत्याशियों का नाम फाइनल, बस आलाकमान से हरी झंडी का इंतजार। लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर की जीत जरूरी, देखना होगा किसमें कितना है दम। बागेश्वर सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, ये चुनाव सीएम धामी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कमल खिलाने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो कांग्रेस के लिए चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और कांग्रेस ये दिखाना चाहेगी कि किसी तरह एक जीत मिली और पार्टी को मैसेज जाए कि जनता अब बदल रही है। मतलब 2024 से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये जीत उतनी ही कांग्रेस के लिए जरूरी है उतनी ही बीजेपी के लिए भी। लेकिन सीट तो एक है, ऐसे में सियासी रणनीति अलग अलग होगी, सीटों का बंटवारा भी नहीं हो सकता कि एक बीजेपी जीत ले और एक कांग्रेस, जिसे लड़ाई कहा जाए। यहाँ सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव होना है, दोनों तरफ से भरपूर तैयारी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की साख दांव पर होगी तो कांग्रेस संजीवनी की तलाश में होगी, लेकिन इन सब के बीच ये तय करना जरूरी होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। आज हम अपने रिपोर्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से प्रत्याशियों को लेकर बात करेंगे और ये भी बताएंगे बागेश्वर सीट का समीकरण क्या है और किस पार्टी के खाते में ये सीट जा सकती है। पहले ये आपको बता देते हैं कि इस सीट पर उपचुनाव हो क्यों रहा है। दरअसल ये सीट किस पार्टी की थी जिस पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का फैसला किया। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग की ओर से 7 राज्यों में अलग अलग जगह खाली हुई विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया गया, इसमें बागेश्वर सीट भी शामिल है। बागेश्वर से बीजेपी के चंदन राम दास विधायक थे, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। उनके निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की, मतलब ये सीट बीजेपी के खाते में थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चंदन राम दास जीते थे और धामी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन निधन के बाद दोबारा से होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी इस उपचुनाव में इस सीट को अपने पास ही रखना चाहेगी। लेकिन इस बार मुकाबला भी जारी है क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जीत दोनों तरफ से बेहद जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला होगा ये तो तय है, लेकिन इन दोनों के पीछे मजबूत कौन होगा ये सवाल है। टिकट किसे मिलेगा ये भी सवाल है। तो चलिए हम बताते हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। दरअसल इस चुनाव में सियासी समीकरण के कई मायने निकलेंगे। बीजेपी चाहेगी कि किसी भी स्तर पर रणनीति को बनाकर रखा जाए, तो कांग्रेस चाहेगी कि इस जीत से 2024 में बड़ा असर होगा, तो क्यों ना बीजेपी से सीट छीन ली जाए। ऐसे में दोनों तरफ से कैंडिडेट तय करना अहम होगा, कैंडिडेट से ही पता चलेगा कि किसकी जीत होगी। फिलहाल इसको लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से 1-2 दिन में ही टिकट की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है बीजेपी की ओर से चंदन राम दास के परिवार से किसी सदस्य को टिकट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस भी चुनाव में अपना दमखम दिखाने की सोच रही है। ऐसे में चंदन राम दास के सामने चुनाव लड़े प्रत्याशी रंजीत दास को ही टिकट दिया जा सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टी 1-2 दिन में अपने टिकटों की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। 5 सितंबर को बागेश्वर में जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, जबकि 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।